वेलकम अगेन माई न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है, क्योंकि मैं सौम्या का मेकअप कर रही हूँ और वो भी कॉमेडी वाला मेकअप, लेकिन उसको नहीं पता है, उसको पूरा मेरे पे यकीन है, पूरा भरोसा विश्वास के साथ रेडी हो रही है मेरे से। बट देखिए उसका फाइनल क्या आता है रिजल्ट, वो आप लोग खुद देखिएगा वीडियो में। और प्लीज गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, ले चलती हूँ सौम्या के पास और मैं फ़ोन ट्राइपॉड में लगा दूंगी। पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगी, बट जो भी होगा सौम्या का जैसा भी रिएक्शन होगा, जो भी होगा, सब सुनने को मिलेगा आप लोगों, तो बने रहिए। अब पूरा मैंने मेकअप कर दिया, अब मुझे बस हाईलाइट लगाना है। और फ्रेंड्स, एक्चुअली वो फैन ब्रश जो होता है वो मेरे पास तो है नहीं, मैं देखिए मैं जुगाड़ लगाती हूँ कैसे। उसके बाद सौम्या किसी दिन मेरा मेकअप करेगी और आप लोग देखिएगा। इधर चुप रहो, भरोसा रखो, आग बंद। सो फ्रेंड्स, ये जो मेकअप है ये रात वाला है और तो इसलिए इसमें हम हाइलाइटर ज्यादा लगाएंगे ताकि मुंह चमके। हाँ, और वहां पे जहाँ भी लोग मेकअप ये करके जाए वहां पे लाइट पे बिल्कुल जरूर ना पड़े, केवल चेहरा ही चमके, जाते ही तुरंत उजाला हो जाए एकदम एकदम। जिंदगी में पूरे अपने होल लाइफ में ये ऐसा मेकअप नहीं देखी होगी। मुझे तो डर लग रहा है कल से मेरे पास लोग मेकअप लास्ट कल से लोग मेकअप करवाने ना आने लगे। फिर मैं एक शॉट मुझे देते हुए फ्रेंड्स, ये हम लोग का जो कॉमेडी वाला मेकअप होने वाला है आप लोग देखेंगे। और ये कह रही है हम कहीं शंकर भगवान ना बन जाए, कह रही है कि अगर ऐसा मेकअप कर लिया मेरी मम्मी देख लेंगे तो कहेंगे कि बहनी दिमाग का संतुलन ठीक नहीं, तो इसलिए हम हंस रहे थे। फिर और अब उसके बाद ब्लश, कार्यक्रम समापन पे डबल डबल देखो, डबल डोज लगाने के बाद बूस्टर जरूर लगवाना चाहिए, इसलिए फाइनल टच दे रहे हैं तुम्हारे मेकअप को। देखिए समय जब सरमाई में सब अपना ही समझिए, जिस चीज की जितने बार रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मेकअप किया जाएगा, ठीक है। और आप डोंट वरी, आपसे कोई अलग चार्ज नहीं पे किया जाएगा, जैसे आप एक्सरे करती है ना तो कभी कभी उसी चार्ज में दो बार कर देती हैं, उसी जैसे कुछ भी कहो। लेकिन फ्रेंड्स देखिए सौम्या का मेकअप कमाल का मेकअप है, इसके बाद ये अपना हुलिया भी नहीं पहचान पाएगी, भूल जाएगी। भैया कहीं गलती से अगर देख लिए ना तो सौम्या को पहचानने से इनकार कर देंगे। तो फ्रेंड्स सौम्या का फाइनल मेकअप हो चुका है और देखो कितनी गोरी में इतनी काली लग रही है छोचो। अच्छा रुको, अब मैं तुम्हें ब्लश करवाती हूँ। सो फ्रेंड्स, सौम्या का पूरा मेकअप डन है और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ना, आई नो दैट वेरी वेल कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ अभी और प्लीज़ जैसी भी लगेगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और फ्रेंड्स ये मतलब बस ऐसे ही ऐसे रेंडम मेकअप है, ऐसा कुछ है नहीं। देख के डरिएगा मत और कह रही आप लोग देख के डरिएगा मत। और अब उसको कैमरा में लाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोग के सामने रिएक्शन नोट करते हैं सुम्या का रिएक्शन क्या है मेरे द्वारा डन किया हुआ मेकअप पे। तो कैसा लगा आपको? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे देख के डरिएगा मत, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। आराम से मन निकल जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा मैंने क्या इतना खराब मेकअप किया है इसका। एक्चुअली ब्रश नहीं था ना तो आई शैडो फेस का मेकअप सही लग रहा है, बस आई मेकअप थोड़ा। आई मेकअप एक्चुअली हुआ ये था कि जो सौम्या लहंगा पहनने वाली है वो ब्लू कलर का, और मैंने मतलब गलती से ब्लू कलर पिक करके और उस पर लगा दिया, क्योंकि बार बार कह रही थी मुझे शंकर भगवान मत बनाना, इसलिए मैंने ये इसके साथ एक छोटा सा बस मजाक किया था और कुछ नहीं। और फ्रेंड्स आप लोग खुद देख लीजिए इतना मतलब नाइट वाले पार्टी वाले के लिए है। और इसमें हाईलाइटर, अब तुम्हारे चेहरे क्या दे, मेरा बहुत गंदा दिख रहा है चेहरा, मत देखो। और फ्रेंड्स तुमको कैसा लगा, खुद कितना स्टार देना चाहोगी? तो बहुत अच्छा लग रहा है, 5 में से 3.5। चलो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा। और मैं कोशिश करूँ कि इससे अच्छा मेकअप कर सकूँ कस्टमर पे ऊपर, कस्टमर पे नहीं तुम्हारे पे। और फ्रेंड्स अब बोलो। और फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और हम लोग की ऐसी मस्ती वाली वीडियो देख के आप लोग एंटरटेनमेंट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेकअप अगर सीखना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सब लोग सीखें। तो फ्रेंड्स अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अब चल रहे हैं डिनर करने। बाय बाय। एक तेरे भरोसे पे।